Hey, y'all, come look at this. और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपके आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। माय के मामो तेरा बहन के महावीर वाला तेरा मैया के वाला। राम राम सब भाई बहनों को, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। अगर आपका टॉयलेट ही इसी तरीके का बना हुआ है कि उसमें बैठने के बाद आपकी पीठ काबे की तरफ क़िबले की तरफ हो जाती है, तो मेरे भाई आज ही अपने टॉयलेट को अपने लैट्रिन को तोड़ डालिएगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। देखो, जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर। खटाखट स्कीम वाला प्रैंक प्राप्त हुआ है। खटाखट 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 8,500। जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर खटाखट 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 8,500। हम इनसे सवाल करेंगे कि ऐसी ऐसी लड़कियां जो है नालायक लड़कों से पट क्यों जाती है और नालायक लड़कों से शादी क्यों करती है। बताइए सर, जब मिले थे हम तो वैसा नहीं था, वो बहुत प्यार करता। सारी लड़कियां ऐसे ही बोलती है कि जब मिले थे तो बहुत प्यार करता था, और ज्यादातर लड़कियों को फ्रॉड मिल जाता है जब भी वो लव मैरिज करती है। तो उसी का जीता जागता उदाहरण जो है श्रद्धा बनी। अच्छे लड़के जो है उन लोगों को तो आप लोग भावे नहीं देती हैं, सच्चाई ये है। जो डील डॉल में रहता है, जो थोड़ा सा लफुआगिरी करता है, जो थोड़ा सा रंगदारी करता है, उसी को तो आप लोग अच्छा समझती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। की मूर्ति बननी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, देवर इन द नर्वस 90s, ये नर्वस 90s में आके इनके हाथ पैर फूलने शुरू हो गए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, एक बात तो अच्छी हुई अध्यक्ष जी कि माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मैं अपनी ओर से राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राहुल गांधी जी का नेता प्रतिपक्ष बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दशकों में ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजॉय कर रहे थे, ये मजा लेते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन अब इनको पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी की तीसरी टर्म अग्नि परीक्षा है, ये तीसरी टर्म मोदी जी की अग्नि परीक्षा नहीं, ये अग्नि परीक्षा विपक्ष की है, विपक्ष के नेता की है। क्या वो विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो पहले की तरह जो 50% माननीय अध्यक्ष जी जिनको लोकसभा बंक करने की आदत थी, 50% से कम हाजिरी थी, क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? काम करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच ट्रेक की सप्लाई सबसे पहले इसमें कहाँ जा रही है? ये प्लस की सप्लाई यहाँ से सबसे पहले सप्लाई कहाँ जा रही है? इस आईसी पर। और इस आईसी से कहाँ जा रही है? कैपेसिटर पर। और फिर उसके बाद सप्लाई कहाँ जा रही है? आपकी कनेक्टर पर। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। ये अभी इसका शकल लाल हो जाएगी। पूछो क्यों? ये वही बंदा है जो वेस्ट बंगाल में संदेश खाली में कांड होता है तो इसके मुंह में टेप लग जाती है। 6 महीने शाहीन बाग में सड़क ब्लॉक हो गई, इसके मुंह में टेप लग गई। 62 साल से आपके परिवार में कितने लोग गवर्नमेंट सर्वेंट?
कोई नहीं है, है? कोई नहीं है तो यहाँ खड़े होकर भाषण क्यों दे रहे हो? बस जो हिंदुओं का ना जो अल्लाह को नहीं मानते हैं बस उनसे नफरत है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो या यहूदी हो, तो सब तो अल्लाह के बनाए हुए हैं। अच्छे नहीं है वो लोग, मतलब वो इंसान नहीं है? नहीं, साला सुअर। वो नॉन मुस्लिम है, वो उसकी यानी कि मतलब जो हरकते वगैरह जो हमारी तरह का नहीं ना। अगर कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड बन जाए तो बना लोगे या नहीं? नहीं। क्यों? जो मेरे मुस्लिम का होगा, मतलब जो मेरे साथ का होगा उसको बनाऊंगा। बाकी आपकी नजर में इंसान नहीं है? हमारी तरफ से बाढ़ में जो मर्जी करे हम नहीं उनको कुछ कह सकते। मुस्लिम जैसे ना बोलो, गलत बात है। नहीं गलत बात क्यों? स्कूल जाते हो? नहीं स्कूल नहीं, मैं अभी स्कूल नहीं जाते हो। काश तुम्हारे बाप ने कंडोम इस्तेमाल कर लिया होता, भले दस में से एक फट जाता। कटाकट। अरे ये बिल्डिंग बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, चलो जो इट इमीडिएट। हेलो। हेलो, एक बात बताइए, क्या आप वाकई में पैसे डबल कर देती है? जी हाँ, 21 दिनों में। कोई शक? शक नहीं, बस आप ये फॉर्म साइन करके रेडी रखिए। राजो वो तेरे डबल वाली का ऑफिस किधर है बाबा? अरे ये क्या, ये बिल्डिंग में ये देख। चलते चलते। अरे किधर के ऑफिस? अरे हमारे पैसे किधर हैं? ये तो खंडर है। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। अरे मैं लड़की चले गए। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। I got broads in the line, just to lean the family. Credit cards in the scams, hitting the licks in the bank. Legacies.